गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए एक सांस और एक प्रण होकर साथ आ जाइए। भले ही हम एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन जिएंगे और मरेंगे आजाद हिंदुस्तान में ही। दोस्तों, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आजादी के एक महानायक खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे से ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनको हिज मैजेस्ट्रीज बिगेस्ट ओपोनेंट कहा गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज जिस महान व्यक्ति की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस शख्स को इंडिया का जॉर्ज वॉशिंगटन भी कहा जाता है। और तो और, गांधी जी अपने बायोग्राफर लुइस फिशर को कहते हैं कि नेताजी देशभक्तों के देशभक्त, क्रांतिकारियों के क्रांतिकारी और महानों से भी महान व्यक्ति है। इतना ही नहीं, दादा भाई नरोजी की ग्रैंड डॉटर खुर्शीद नरोजी लुइस फिशर को बताया था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सेना के प्रमुख के तौर पर भारत में वापस लौट कर आते तो पूरा देश उनके पीछे खड़ा होता और उनका करिश्मा कुछ इस तरह का होता कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को भी पीछे छोड़ देते। तो कुछ ऐसे ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही हम लोग भारत की आजादी के संग्राम में नेताजी बोस की बहादुरी, साहस, संकल्प और राष्ट्रभक्ति की तो बहुत कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उनका दिमाग कूटनीति षड्यंत्र रचने में भी बहुत माहिर था। यहां तक कि उनको मास्टर ऑफ डिस्गाइज जैसी कई उपाधियां भी प्राप्त थी और अपनी इसी स्किल का यूज करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को एक नहीं बल्कि कई बार चकमा दिया। जी हाँ, नेताजी ना सिर्फ एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे बल्कि वह अंग्रेजों को उन्हीं की खेल में मात देना भी अच्छे से जानते थे और यही कारण था कि अंग्रेज गांधी जी से भी ज्यादा यदि किसी इंडियन फ्रीडम फाइटर से खौफ खाते थे तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये खुद उस वक्त के ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने अपने मुंह से कही थी। लेकिन भारतवर्ष के लिए ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि नेताजी आजाद हिंदुस्तान को देखने के लिए जिंदा भी नहीं रह पाए। खैर, आज हम नेताजी से जुड़े एक ऐसे ही इंसिडेंट की बात करने जा रहे हैं जब उन्होंने आजाद भारत का सपना साकार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अंग्रेज सरकार की आंखों में धूल झोंकने का न सिर्फ साहस किया बल्कि अपनी चतुराई और दृढ़ शक्ति से उसमें कामयाब भी हुए और इसी इवेंट को इतिहास में द ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, हो सकता है आज की वीडियो में आपको आवाज़ थोड़ी सी मेरी भारी लगे, तबीयत थोड़ी सी आज सुस्त है, तो उसके लिए पहले से माफ़ी। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, बात है जुलाई 1940 की। यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। असल में इंडियंस चाहते थे कि यदि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया का सपोर्ट चाहें तो बदले में उन्हें वॉर के ख़त्म होते ही इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस देनी होगी, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात से राजी नहीं हुए। और तो और, ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लिथनग्लो ने कांग्रेस लीडरशिप या बाकी इंडियन कम्युनिटी की परमिशन के बिना ही इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में घसीट लिया। सुभाष चंद्र बोस इससे बहुत नाराज हुए और इसी वजह से उन्होंने कलकत्ता की सड़कों पर मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बढ़ते इन्फ्लुएंस से घबरा कर अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट के बाद उन्हें कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया गया। उधर यूरोप में अलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच वर्ल्ड वॉर टू ऑलरेडी शुरू हो चुका था। अलाइड पावर की तरफ से ब्रिटेन और एक्सिस पावर की तरफ से जर्मनी अब आमने सामने खड़े थे, यानी भारत और जर्मनी का दुश्मन एक ही था, ब्रिटेन। नेताजी ने सिचुएशन में एन एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड का प्रिंसिपल अप्लाई किया और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए जर्मनी की मदद लेने का निर्णय लिया। लेकिन कलकत्ता की जेल में रहकर यह करना तो संभव नहीं था और जेल से बाहर निकलने का अब उनके पास बस एक ही उपाय था और वो था आमरण अनशन। अपनी गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने जेल के अंदर ही फास्ट अंटिल डेथ यानी आमरण अनशन शुरू कर दिया और वो यहाँ एक बात जानते थे कि अंग्रेज उनको मरने तो नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करके वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते। और वो इसलिए क्योंकि नेताजी की पॉपुलैरिटी आम लोगों के बीच उस समय इस कदर बढ़ चुकी थी कि अगर उनको जेल में कुछ हो जाता तो ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता था। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए नेताजी ने रणनीति रची। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई और अंग्रेज सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। वो नहीं चाहते थे कि नेताजी बोस की डेथ का जिम्मा उनके सर पर पड़ जाए। इसी वजह से कलकत्ता के गवर्नर
जॉन हर्बर्ट ने नेताजी को एक एम्बुलेंस बुलवाकर जेल से रिहा करवा दिया, लेकिन उन्होंने नेताजी को उन्हीं के घर में नजरबंद रखने का फैसला किया। गवर्नर हर्बर्ट का प्लान था कि जैसे ही एक बार नेताजी बोस की तबीयत में सुधार आएगा, वैसे ही वो उनको वापस अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं पाएंगे, और ऐसा क्यों वो आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। खैर, उनको अब साउथ कैलकटा के एल्गिन रोड पर बने उनके एक छोटे से घर में नजरबंद कर दिया गया। उनके घर के बाहर बंगाल की CID को तैनात कर दिया गया, और तो और नेताजी के छोटे बड़े सभी कामों पर नजर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनके घर के अंदर भी अपने जासूस छोड़ दिए। यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार ने नेताजी के कुछ रिश्तेदारों से भी उनकी जानकारी इकट्ठा करने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन इतने बड़े पहरे के बावजूद भी नेताजी अंग्रेज सरकार की नाक के नीचे से बच निकले, और उन्होंने ऐसा कैसे किया, आइए देखते हैं। तो जैसा आपने देखा कि नेताजी पहले से ही ये तय कर चुके थे कि उन्हें किसी भी तरह भारत से बाहर निकलकर जर्मनी पहुंचना है, तो वो जेल से लौटने के बाद बिना किसी भी तरह की देरी किए हुए इसकी तैयारी में जुट गए। इसके लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया, जिससे कि वो किसी की पहचान में ना आ सकें, और तो और निकलने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने हर किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने अपने साथ ले जाने वाले बाकी सभी सामान का भी बंदोबस्त किया। सारी तैयारी करने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के लीडर मियान अकबर शाह को एक टेलीग्राम भेजा, जिस पर लिखा था, रीच कैलकटा। फॉरवर्ड ब्लॉक 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया नेशनल इंडियन कांग्रेस का एक लेफ्टिस्ट फैक्शन था। मियां अकबर शाह उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मौजूद थे, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। नेताजी का प्लान पेशावर से काबुल होकर फिर वहां से रशिया के रास्ते जर्मनी तक पहुंचने का था, और मियां अकबर शाह को अफगानिस्तान के ट्राइबल इलाकों की समझ काफी अच्छी थी, इसलिए नेताजी ने उनको कैलकटा बुलाया, और उनके बुलाने पर अगले ही दिन अकबर शाह पेशावर से ट्रेन पकड़कर कैलकटा पहुंचे। इसके बाद अकबर शाह और अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ मिलकर नेताजी ने कैलकटा से काबुल तक पहुंचने का प्लान बनाया, और अब उसको अंजाम देने की घड़ी आ चुकी थी। बस फिर क्या था, 16 जनवरी 1941 को सर्दियों की कड़कड़ाती रात में 1:45 पर वो बड़ी सावधानी से अपने घर से निकले, और शिशिर की मदद से एक वॉन्डरर कार में बैठकर वहां से रवाना हुए। नेताजी ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, और मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट का वेश बनाया हुआ था। शिशिर उस समय महज 20 साल के थे, और उन्होंने पहले कभी कलकत्ता के बाहर गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन नेताजी बोस को उन पर पूरा भरोसा था, और शिशिर भी नेताजी के इस मकसद में उनका साथ देने से पीछे नहीं हटने वाले थे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। असल में नेताजी के भाई का एक पेट डॉग उसी घर में रहता था, और वो आने जाने वाले हर अनजान व्यक्ति को काट लेता था, और इसको वो बंद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से अंग्रेज सरकार के जासूसों को शक हो जाता। लेकिन उस रात नेताजी की किस्मत ने उनका साथ दिया। असल में नेताजी के निकलने से कुछ ही देर पहले उस डॉग ने वहां जासूसी करने वाले एक ऑफिसर को काट लिया था, जिसकी वजह से उस शाम उसको पहले ही घर के अंदर बंद कर दिया गया था, और इसी वजह से वो उस रात नेताजी पर हमला नहीं कर पाया। खैर, किसी तरह सबकी नजरों से बचकर नेताजी वहां से निकलने में कामयाब हुए। वहां से निकलकर सबसे पहले वो धनबाद पहुंचे, फिर वहां से उन्होंने बिहार के गुमोह रेलवे स्टेशन का रुख किया। इस स्टेशन का नाम बदलकर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन रख दिया गया, और ये स्टेशन झारखंड में पड़ता है। खैर, धनबाद से उन्होंने पेशावर के लिए दिल्ली कालका मेल पकड़ी, और वो आखिरकार भारत की नॉर्थ वेस्टर्न सीमा तक पहुंच गए। प्रिसाइजली बात करें तो नेताजी के कैलकटा से पेशावर तक के इस खुफिया सफर को द ग्रेट एस्केप नाम से जाना जाता है। खैर, 26 जनवरी 1941 को उन्होंने अपने आगे के सफर की शुरुआत की। उनकी अगली मंजिल थी मॉस्को, लेकिन सोवियत रशिया पहुंचने के लिए उन्हें अफगानिस्तान से स्टेट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से होकर गुजरना था। लेकिन एक और दिक्कत थी, और वो ये कि वहां पर पाश्तून बोलने वाले लोग रहते थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम किया करते थे। अब ऐसे में इन लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने एक डेफ और डम पठान का वेश बनाया, ताकि उन्हें इस दौरान किसी से बातचीत ना करनी पड़े। उनका ये प्लान काम कर गया, और वो यहाँ से बच निकलने में भी कामयाब रहे। इधर कलकत्ता में 26 जनवरी को नेताजी को कलकत्ता हाई कोर्ट में अपीयर होना था, लेकिन वो तो अब वहां थे ही नहीं। अब तक नेताजी के गायब होने की खबर हर तरफ आग की तरह फैल चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि नेताजी आखिर कहाँ है। ब्रिटिश सरकार उनको पागलों की तरह ढूंढ रही थी।
वहीं कलकत्ता की जनता अपने नेताजी के यूं अचानक गायब हो जाने की खबर से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उधर पंजाब सीआईडी सिटी में रेड कर रही थी और नेताजी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार भारत से बाहर निकलने में कामयाब हो ही गए और आगे मॉस्को तक का सफर उन्होंने एक इटालियन पासपोर्ट पर काउंट ऑरलैंडो मेजोटा नाम के एक इटालियन व्यक्ति के वेश में किया। मॉस्को से वो रोम पहुंचे और वहां से फिर बर्लिन, और यही उनके एस्केप का आखिरी चरण रहा। अब जर्मनी आने का उनका मकसद तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जर्मनी से मदद मांगना था, लेकिन यहां आकर उनको रियलाइज हुआ कि उनका सपना चकनाचूर हो गया है, क्योंकि जर्मनी आने के बाद ही उन्हें यह रियलाइज हुआ कि नाजी फोर्सेस को इंडिया की इंडिपेंडेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे। वो असल में सोवियत को हराने के बाद अफगान आर्मी के थ्रू द ज्वेल इन एम्पायर्स क्राउन यानी इंडिया को इन्वेड करना चाहते थे। और आखिरकार जब बोस के आइडियाज के अगेंस्ट जाकर जर्मनी ने जुलाई 22, 1941 को रशिया पर हमला बोल दिया, तो उनके इस कदम को जर्मनी के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन की शुरुआत के तौर पर देखा गया। और तो और जब मई 29, 1942 को हिटलर के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई, तब नेताजी को हिटलर के क्रूअल प्लान्स का साफ पता लग गया और अब वो जान गए थे कि जर्मनी का ये कहना कि वो रशियंस को हराने के बाद इंडिया की सहायता कर पाएंगे, ये केवल एक एम्प्टी प्रॉमिस या फिर एक क्रूअल जोक से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अब जर्मनी से किसी भी तरह की कोई सहायता की उम्मीद का भ्रम टूट चुका था, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो जर्मनी को छोड़कर आगे जापान की तरफ बढ़ गए और यहीं पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ फिर कई कूटनीतिक चालें चली और जापान को अपनी तरफ शामिल कर लिया। हालांकि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर हमले के बाद जापान पूरी तरह टूट गया और उसने वर्ल्ड वॉर टू में सरेंडर कर दिया, उस समय आजाद हिंद फौज को भी बहुत कठिन परिस्थितियों में अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के बाद अंग्रेज सरकार के खिलाफ लगी हुई आग और भी ज्यादा बुरी तरह भड़क गई और जिस आजाद हिंद फौज को नेताजी ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, उसी के सिपाहियों ने अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया और आखिरकार अंग्रेजों को भारत को आजादी देनी ही पड़ी। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कलकत्ता की जेल से हुई उस ग्रेट एस्केप ने भारतवर्ष की आजादी में कितना अहम किरदार अदा किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए उस किस्से की जिसने ब्रिटिश सरकार को बौखला कर रख दिया था। ना सिर्फ जीते जी बल्कि शहीद होने के बाद भी नेताजी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे और आखिरकार भारतवर्ष को गुलामी के जंजल से आजाद कराकर ही उन्होंने दम लिया। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस ग्रेट एस्केप के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।